हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू राहुल शर्मा मैकेनिकल क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे गियर टॉपिक में। गियर टॉपिक में क्या क्या हो चुका था हमारा, गियर में हम लोग उसका पूरा डिफिनेशन पढ़ चुके थे, क्या क्या होता है गियर में, किस मटेरियल का बना होता है, सब बात कर लिए थे। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि उसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, गियर में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। जैसे हम लोग उसमें देखे थे एडेंडम देखे थे, डिडेंडम देखे थे, पिच सर्कल देखे थे, टूथ सर्कल देखे, टूथ की थिकनेस देख लिए थे हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने उसमें मॉड्यूल देख लिया था। ऐसे करके उसके हम लोग पूरा उसमें जितने एलिमेंट यूज होते हैं सब पे हम लोगों ने एक्सप्लेन से बात कर लिए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ गियर। तो गियर कितने प्रकार के होते हैं, तो गियर बेसिकली तो अगर देखा जाए तो उसके तो बहुत टाइप होते हैं, बट हम लोग को जो अभी बेसिकली पढ़ना है मेन हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो अगर पोजिशन ऑफ एक्सेस ऑफ द शाफ्ट अकॉर्डिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ एक्सेस और शाफ्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, तो उसमें क्या होता है तीन टाइप के होते हैं। एक होता है पैरेलल, और नेक्स्ट होता है इंटरसेक्टिंग, और नेक्स्ट होता है नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल। मतलब एक तो पैरेलल होगा, कोई गियर लगा होगा पैरेलल अरेंजमेंट में लगा होगा, और नेक्स्ट क्या कह रहा है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब जो गियर अरेंजमेंट होगा वो इंटरसेक्ट करेगा किसी न किसी पॉइंट पे। मान लीजिए यहाँ पे हमने गियर बनाया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कोई, या राइट एंगल हमने बना दिया तो भी यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब किसी भी तरीके से गियर का अरेंजमेंट किया जाएगा तो वो इंटरसेक्ट करना चाहिए किसी ना किसी पॉइंट पे जाके, वो काटना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहीं काट रहा है कहीं यहाँ पे, इसको हम जरूरी नहीं इसी तरीके से हम गियर का अरेंजमेंट करें, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे गियर बनाते हैं, गियर यहाँ पे बनाते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट आके इंटरसेक्ट करेगा, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल, मतलब ना तो इंटरसेक्ट ही करेगा और ना ही पैरेलल होगा, थर्ड कंडीशन है। तो हम लोग एक एक करके सबको सबके बारे में बात करते हैं और सबको एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे, आप अच्छे से समझिएगा उसको। सभी के टर्म जो कंडीशन थे जो उसमें पॉइंट थे आपको बेसिकली हमने सब कुछ बता दिया है, इसलिए उसको हमने पहले इसलिए बताया क्योंकि अब जो चीजें होंगी वो आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि वही सब चीजें इसमें यूज होने वाली है। जैसे अगर हम बात करते हैं पैरेलल पे, तो पैरेलल में क्या होता है स्पर गियर। स्पर गियर के कितने टाइप होते हैं, स्पर गियर होता है हमारा एक एक्सटर्नल गियर होता है, एक इंटरनल गियर होता है। ओके, स्पर गियर सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है। जो ये अरेंजमेंट हम लोगों ने बनाया था, सबसे पहले प्लेन होता था। प्लेन में क्या होता था, जो हम लोग को पावर ट्रांसमिशन होता था वो 100% महंगी भी होता था। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने टीर बना दिए थे, यहाँ पे हम लोगों ने टीर बना दिया था। तो ये क्या है, जो अरेंजमेंट है पुराना ये स्पर गियर का है। ओके, यहाँ पे आपने शाफ्ट लगाया, यहाँ पे की से आपने इसको ब्लॉक किया, ये शाफ्ट है, यहाँ पे की से ब्लॉक किया है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता था या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता था। यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता था, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता था म्यू आर, और ये फ्रिक्शन होता था। तो ये क्या था हमारा स्पर गियर था। इसी में क्या कह रहा है, ये एक्सटर्नल गियर जो स्पर गियर होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल गियर और दूसरा होता है इंटरनल गियर। एक्सटर्नल में अगर हम बात करेंगे, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है बाह्य पट, जो बाह्य में देखी जाए। अगर बाहर की बात करें तो हमारा जो स्पर गियर का अरेंजमेंट है ना, ये एक्सटर्नल गियर का अरेंजमेंट है, क्योंकि देखिए इसमें जो टीथ है ये ऊपर के पोर्शन में एक्सटर्नल डिवाइड भाग में लगे हुए हैं टीथ, और ये भी जो नेक्स्ट टीथ है ये भी एक्सटर्नल डिवाइड में लगे हुए हैं। बट इंटरनल की अगर बात करेंगे हम, तो ये हुआ। अब जो टीथ हम बनाएंगे, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल भाग में बनाया गया टीथ, यहाँ पे क्या होगा इंटरनल भाग में बनाया गया टीथ, ये इंटरनल। ओके, नेक्स्ट जो हमारा गियर होगा ये भी एक्सटर्नल में होगा, ये पूरा इसमें फिक्स होगा। न्यू अरेंजमेंट होगा। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, एक्सटर्नल गियर और इंटरनल गियर में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली इतना है कि यहाँ पे जो गियर का अरेंजमेंट था, यहाँ पे जब हम इसमें पावर का ट्रांसमिशन कर रहे थे, गियर ए गियर बी, इसमें जब ए में हम पावर का ट्रांसमिशन कर रहे थे तो ये ड्राइवर था, जहां हम पावर का ट्रांसमिशन करेंगे इसमें, मतलब किसी भी बाइक को किसी चीज को अगर हम ड्राइव करेंगे तो क्या होगा ड्राइवर हुआ, और जिसपे हमको पावर का ट्रांसमिशन करना है उसको हम ड्रिवन कहते हैं।
तो ये ड्राइवर हुआ या ड्रिवन हुआ, ठीक है। अब जब ड्राइवर में हम पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ से जब रोटेट होगा तो इसको अपने इसकी जो टीथ होते हैं इसमें फिक्स होते हैं, ये ऐसे इस डायरेक्ट ऐसे फिक्स होते हैं एक के ऊपर एक ऐसे, तो ये जब रोटेट होगा तो इसको अपने ऊपर बाय द हेल्प ऑफ गियर नंबर वन टू रोटेट सेकेंड, ओके। जब ये रोटेट होगा अब इसमें देखेंगे हम पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, वही चीज़ में क्या है, ये चीज़ क्या था, यहाँ पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था। बट इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे सेम डायरेक्शन में रोटेट होगा। हमने यहाँ पावर का ट्रांसमिशन किया शाफ्ट पे, ये की लगा हुआ है, किसी ब्लॉक है, जब यहाँ से पावर का ट्रांसमिशन होगा तो ये जिस डायरेक्शन में रोटेट होगा, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो ये भी जो सेकेंड शाफ्ट है हमारी गियर का अरेंजमेंट है ये भी उसी डायरेक्शन में रोटेट होगा, क्योंकि जो देखिए जो टीथ यहाँ पे लगे हुए थे जब ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन रोटेट हो रहा था तो इसको साथ में लेके चल रहा था यूं, तो ये क्या हो रहा था, जब ये ऐसे चल रहा है तो इसका अरेंजमेंट एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आ रहा था। बट इसमें क्या है, ये जब ऐसे चलेगा किसी भी कंडीशन में घुमा दीजिए आप, इधर से कर दीजिए, मान लीजिए टीथ को इधर लगा दीजिए, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। अभी तो एंटी क्लॉक वाइज आपको बता देते हैं, तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये जब ऐसे अरेंजमेंट इसका घूमेगा तो इसमें क्या हुआ, जो ये पोर्शन है दोनों गियर ये फिक्स है, जब ये रोटेट करेगा, अब देखिए ये ऊपर वाला गियर इसको ड्राइवर है, इस पर हम पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जब ये रोटेट करेगा इसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इसके साथ साथ ये आपका आउटर ये एक्सटर्नल गियर हो गया, इंटरनल गियर हो गया, ये ऊपर का टीथ ये वाला हो गया और ये नीचे वाला ब्लू वाला, ठीक। अब देखिए जब इस पर हम पावर का ट्रांसमिशन करेंगे ऐसे रोटेट कर रहा है, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसके साथ साथ ये भी गियर रोटेट कर रही है, तो इसमें क्या हुआ कि एक सेम डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, तो ये हमारा है इंटरनल गियर, ओके। एक्सटर्नल गियर हो गया, इंटरनल गियर का अरेंजमेंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं और इसको हम देखते हैं स्पर गियर में ये यूज कहाँ होते हैं। स्पर गियर में से यूज इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर में यूज होता है, क्लॉक में यूज होता है, वॉशिंग मशीन में, ओके। वॉशिंग मशीन वगैरह में देखेंगे आप, वहाँ पे गियर का आपको हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट हो सब में गियर का अरेंजमेंट होना कंपलसरी है, विदाउट गियर अगर वो चल रही है तो उसमें गियर लगेगा जरूर। आपको वॉच बताया था उसमें प्लास्टिक की गियर लगे होते थे, आपको जो बच्चों के खिलौने बताए थे उसमें भी गियर लगे होते थे, जो व्हीकल होते हैं फोर व्हीलर टू व्हीलर जो भी व्हीकल हो गए उसमें गियर का अरेंजमेंट होता है, विदाउट गियर इज नॉट वो रनिंग नहीं हो पाएगा उसको, ओके। तो इसलिए गियर होना कंपलसरी है। तो यह ड्राइवर ड्रिवन ये सब आपने समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं हेलिकल गियर पे आते हैं। पैरेलल में क्या था, पैरेलल में इस पर गियर था, इस पर गियर के जो पार्ट थे एक्सटर्नल गियर था, इंटरनल गियर था। एक्सटर्नल इंटरनल को हमने बात कर लिया, अब उसके हमने यूज देख लिए कहाँ कहाँ यूज होते हैं। हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्या है, पैरेलल में ही हेलिकल गियर है, हेलिकल गियर क्या होता है इस पर बात करते हैं। हेलिकल गियर हमारा जो होता है, एक हेलिकल गियर के जो टाइप होते हैं सिंगल हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर। जो हेलिकल गियर में मतलब इसमें स्पर गियर और हेलिकल गियर में डिफरेंस क्या होता है, जो ये आपको स्पर गियर अभी हमने बताया था इसमें क्या था, ये टीथ लगे हुए थे, ये पैरेलल थे, ओके, एक दूसरे के पैरेलल थे। बट हेलिकल में क्या है, हेलिकल में ये एक्सिस जो होता है, ये गियर हो गया, एक्सिस हो गया, जो टीथ लगे होंगे वो एक्सिस की तरफ झुके होंगे, हमेशा जो टीथ लगे होंगे वो एक्सिस की तरफ झुके होंगे, मतलब ये जो टीथ लगे हैं जैसे हमने यहाँ पे ऐसे से बना दिया था इस पर गियर में, बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आप कुछ इस तरीके से टीथ बनाएंगे इसका, मतलब ये एक्सिस की तरफ झुके होंगे। इसका ब्लू डायग्राम देखते हैं, ओके, हम बात करते हैं सिंगल हेलिकल गियर, मतलब इसमें हेलिकल गियर में क्या था, जो जो टीथ लगे होंगे वो एक्सिस की तरफ झुके होंगे, ये डिफरेंस है इस पर गियर और हेलिकल गियर में। अब देखते हैं हम लोग सिंगल हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर। सिंगल हेलिकल गियर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिंगल में क्या है, डबल में क्या है, देखिए यहाँ पे सिंगल हेलिकल गियर ये अरेंजमेंट है पूरा, ओके, ये हमने शाफ्ट बनाया, शाफ्ट
इसमें क्या होता है, जो हमने बताया कि टीथ जो है एक्सिस के उत्तर झुके होते हैं, तो इसमें भी क्या है, इसमें जो टीथ बने होंगे वो एक्सिस की तरफ झुके होंगे। ये टीथ है हमारे, देखिए टीथ हो गए, देखिए एक्सिस की तरफ क्या होंगे, झुके होंगे। ये हमारा क्या है, सिंगल हेलिकल गियर है, इसमें आपका ये शाफ्ट हो गया, ओके, ये गियर का अरेंजमेंट हो गया। ये देखिए दोनों साइड के जो टीथ हैं वो एक ही एक्सिस की तरफ क्या है, झुके हुए हैं। और डबल हेलिकल गियर में क्या है, ये भी डबल हेलिकल गियर हम लोग बनाते हैं, शाफ्ट बनाते हैं। जो डबल हेलिकल गियर है इसी का मॉडिफाई वर्जन है, जो सिंगल हेलिकल गियर है इसी का अपडेटेड वर्जन है डबल हेलिकल गियर। इसमें क्या करते हैं, डबल हेलिकल गियर में जो ये टीथ थे ये तो झुके होते थे एक ही साइड में, जो भी लोड होता था वो एक ही साइड में पड़ता था, उससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती थी, जो लोड जब एक साइड में पूरा लोड इफेक्ट होता था तो जो टीथ होते थे एक ही साइड में पूरा घिसना शुरू हो जाते थे, तो इसमें क्या होता है जल्दी प्रॉब्लम क्रिएट होती, जल्दी खराब हो जाता था। तो इसका अपडेटेड वर्जन है, इसको अपडेट किया गया, मॉडिफाई हुआ इसमें, इसमें क्या हुआ डबल हेलिकल गियर नाम से नाम रखा गया इसको। तो इसको हम ऐसे देखते हैं, इसमें दो दो टीथ होती है दोनों साइड में, न्यू रहते हैं। दोनों साइड में क्या एक्सिस की तरफ झुके हैं, बट इसमें बस वही डिफरेंस है कि ये डबल हेलिकल गियर है, तो इसमें टीथ जो टीथों की संख्या होगी, इसमें क्या थी एक थी, एक ही साइड में झुक रहे थे, इसमें क्या हो गया दोनों साइड में झुक रहे हैं, ठीक है, दो दो टीथ लगे हुए हैं। ये हमारा है डबल हेलिकल गियर, बस इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें जो टीथ थे वो एक ही तरफ झुके हुए थे, बट उसमें क्या हो रहा था प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जो भी लोड पड़ रहा था वो पूरे टीथ पे पड़ रहा था, तो टीथ जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, उसमें एक ही साइड में वो कट रहे थे। बट अब डबल वाले में क्या किया, जैसे ये सिंगल टीथ थी ऐसे ऐसे रोटेट कर रही थी, अब इसमें डबल हमने लगा दिया, ये टीथ ऐसी है तो इस टीथ को हमने ऐसे लगा दिया। अब जो नेक्स्ट टीथ हम यहाँ पे लगाएंगे वो इसमें ऐसे फिक्स होगी इस साइड में और दूसरी इस साइड में, मतलब जब रोटेट होगी ऐसे दो 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 टीथ एक साइड में एक साथ रोटेट करेंगे, तो वही इसमें प्रोसेस हमने बताया आपको डबल टीथ का। अब ये देखते हैं हम लोग रॉक एंड पिनियन, ये भी हमारा पैरेलल ही है, पैरेलल में रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन में क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं सिंगल हेलिकल गियर, डुअल हेलिकल गियर, ओके, ये हो गया। हम लोग बात करते हैं रैक एंड पिनियन में, रैक एंड पिनियन में क्या है, ये गियर का अरेंजमेंट इसका कैसा होगा, इसका गियर का अरेंजमेंट एक रैक बनाएंगे हम, इस पे टीथ बने होंगे, अब इसमें जो टीथ होते हैं ये इनफाइनाइट होते हैं, मतलब कितने भी जो रैक होते हैं इसमें आप इनफाइनाइट टीथ बना सकते हैं, नंबर ऑफ टीथ, जो नंबर ऑफ टीथ होगा वो इनफाइनाइट होगा, बट जो पिनियन है हमारा होगा, यहाँ पे जो हम पिनियन बनाएंगे, पिनियन में क्या होगा, ओके, ये अरेंजमेंट जो है, अब देखिए इसमें चीजें होती क्या है कि जो रैक होता है ये रेसिप्रोकेट करता है, रेसिप्रोकेशन इसमें होगा, ये इस साइड भी जाएगा इस साइड भी जाएगा, बट जो ये पिनियन है हमारा ये रैक है, ये क्या है पिनियन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक,
अब देखिए जब ये रोटेट करेगा इसमें क्या होता है, दो चीज में एक पॉइंट नोटिस करने वाली है कि जब ये पिनियन रोटेट करेगा, पिनियन रोटेट करने के साथ साथ ये रैक अपना भी रोटेट करेगा। अब चाहे आप पिनियन को रोटेट कराओगे तो रैक रोटेट होगा, अगर आप रैक को आप रेसिप्रोकल कराते हो, रेसिप्रोकल कराते हो तो ये उस रैक के माध्यम से, रैक के माध्यम से पिनियन आपका रोटेट होगा। जैसे आप रैक को आगे पीछे कराओगे, रैक इधर ले गए तो आपका ये पिनियन क्या इसमें फिक्स है, जब आप इसको आगे ले जाओगे तो ये टीथ क्या रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये क्या अपने आप पिनियन ये पूरा अरेंजमेंट ऐसे घूमेगा। जब ये पीछे डायरेक्शन में आएगा तो ये क्या फिर इधर इस डायरेक्शन में अपना घूमेगा। मतलब ये क्या हुआ, अगर आप चाहे पिनियन को मूविंग डायरेक्शन में रोटेट कराओ, चाहे आप रैक को स्ट्रेट लाइन में आप वर्क कराओ, ठीक है, ये दोनों इस पे बेस होते हैं। आप चाहे जैसे अगर इसको आप पिनियन को रेसिप्रोकेट कराओगे तो पावर का ट्रांसमिशन होगा यहाँ पे, अगर आप रैक को भी रेसिप्रोकेट कराते हो तो यहाँ पे पावर का ट्रांसमिशन होगा। मतलब दोनों कंडीशन सेम है, चाहे इसको रोटेट कराएं हम, चाहे इसको आप स्ट्रेट लाइन में वर्क कराएं रेसिप्रोकेशन में। तो ये हमारा क्या है, रैक एंड पिनियन। हम लोग बात करते हैं रैक एंड पिनियन ये लगे कहाँ होते हैं, जो स्टेयरिंग सिस्टम ऑन मेनी कार, मतलब जो कार होते हैं कार में जो स्टेयरिंग सिस्टम होता है वहाँ पे आप इसका पूरा अरेंजमेंट, सबसे अच्छा एग्जांपल रैक एंड पिनियन का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका वही स्टेयरिंग सिस्टम है। जो फोर व्हीलर गाड़ियाँ होती हैं आप उसमें देखोगे तो ये पूरा अरेंजमेंट होता है, स्टेयरिंग जो होती है उसमें आप देखोगे यही पूरा अरेंजमेंट लगा होता है गियर का। ओके, हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, एक तो कंडीशन होगी पैरेलल, नेक्स्ट क्या थी इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग में क्या है, इंटरसेक्टिंग दो प्रकार के होते हैं, एक बेवल गियर में यूज होता है इंटरसेक्टिंग और नेक्स्ट होता है हमारा बेवल गियर होता है। बेवल गियर हमारे जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, मीट्री गियर एंड ऑब्लिक गियर। ठीक, मीट्री गियर जो हमारा होता है इंटरसेक्टिंग, आपको सबसे पहले हमने बताया था जो पॉइंट होंगे वो कहीं ना कहीं कट करेंगे। तो जो बेवल गियर है, बेवल गियर का अरेंजमेंट कैसा होगा, ये साफ हमने बना दिया, ठीक। ये अब इसमें क्या है, एक साफ तो आपने ऐसा बना दिया, नेक्स्ट साफ आप क्या करोगे, नेक्स्ट साफ आप यहां बना दो, अब देखिए कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा, यहां पे आया यहां पे आया, ठीक, ये पॉइंट है, ये देखिए ये पॉइंट, देखिए पूरा अरेंजमेंट आपका बेवल गियर का है। इसमें आप देखेंगे एक यहां पे हमने गियर का अरेंजमेंट बनाया, ठीक, नेक्स्ट क्या यहां पे एक गियर लगाया हमने। ओके, अब देखेंगे जब इस गियर को जो एक्सेस होंगे, एक्सेस को जो हम आगे बढ़ाएंगे, आगे हमने बढ़ाया, देखिए यहाँ पे ले आए इसको, तो ये गियर का यहाँ पे एक्सेस आया, इसका फर्स्ट वाले इसको ए मानते हैं हम लोग, इसको बी मानते हैं। ए का जब हमने आगे बढ़ाया तो यहाँ पे गया, और बी को हमने बढ़ाया तो यहीं पे आया। मतलब ये क्या हुआ, कहीं पे यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे काट रहा है। तो ये पूरा अरेंजमेंट क्या होगा, हमारा बेवल गियर का होगा। ओके, अगर इसको हम फिगर के माध्यम से देखते हैं तो एक गियर का अरेंजमेंट आप यू बनाएंगे और सेकेंड गियर का अरेंजमेंट आप यहाँ बना लीजिए, मान लीजिए ऐसे, ठीक, यहाँ पे गियर ये लगे होंगे, टीक लगे होंगे, अभी देखिए गियर पूरा आके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। इसको आप यहाँ पे बीच का पॉइंट ले जाओगे, आप इधर देखोगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यही चीज यहाँ पे बनाया गया, ठीक है, ब्लॉक माध्यम से दिखाया गया कि एक गियर का अरेंजमेंट यहाँ पे लगाया, यहाँ पे भी लगाया। तो इसमें देखिए क्या एक्सेस को जो हम पीछे बढ़ाएंगे दोनों साइड के एक्सेस को, तो यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, हमारा बेवल गियर का अरेंजमेंट है। ओके, बेवल गियर के जो टाइप होते हैं मीट्री गियर एंड ऑब्लिक गियर। मीट्री गियर में क्या होता है, मीट्री गियर हमेशा 90 डिग्री का होता है, और ऑब्लिक गियर क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है, 90 डिग्री से कम भी हो सकता है। तो अगर हम मीट्री गियर की बात करें, मीट्री गियर की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो मतलब एक गियर का अरेंजमेंट यहाँ पे हमने बनाया,
नेक्स्ट हमने यहाँ से बनाया और सेकंड गियर हमारा 90 डिग्री पे ही होना चाहिए। अब देखिए देखिए यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा हुआ मीटरी गियर। 90 डिग्री के यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब जो मीटरी गियर होगा यहाँ पे एक गियर लगा होगा ऐसे, एक गियर लगा होगा यहाँ पे ऐसे, तो ये गियर का अरेंजमेंट पूरा ऐसे होगा, यहाँ पे 90 डिग्री पे आके यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये पूरा अरेंजमेंट क्या हो गया, मीटरी गियर का हो गया। बट अगर हम बात करें ऑब्लिक गियर का, ऑब्लिक गियर क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है, 90 डिग्री से कम भी हो सकता है। तो 90 डिग्री अभी आपको इसको चाहे आप कम कर दोगे चाहे इसको अधिक कर दोगे, अगर आप इसको जैसे बढ़ा देते हैं, मान लीजिए एक गियर यहाँ पे आपने लगाया, ओके नेक्स्ट गियर हमने यहाँ पे लगा दिया, अब देखिए इसके एक्सेस को हम लोग बढ़ाएंगे, इसके एक्सेस को हम लोग बढ़ाएंगे तो ये जाके यहाँ पीछे कहीं इंटरसेक्ट, मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, ठीक, इसको पीछे जब बढ़ाएंगे तो ये कहीं जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। मतलब ये क्या हुआ, इसमें ये हमारा क्या हुआ, ऑब्लिक गियर। ऑब्लिक गियर हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा भी होगा कम होगा, 90 डिग्री पे था तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था बस, बट इसी को इस गियर को अरेंजमेंट को हमने यहाँ पे ले गया, यहाँ पे हम ले गए, तो देखिए ये इस पॉइंट पे आके कहीं पे यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों एक्सिस को हम आगे पीछे बढ़ाएंगे तो यहीं कहीं जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑब्लिक गियर का अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेवल गियर। बेवल गियर तो हो गया, अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है, लोकोमोटिव में, मरीन में, ऑटोमोबाइल में, कूलिंग टावर में, पावर प्लांट्स में, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बेवल गियर का यूज बहुत ज्यादा होता है। मरीन में, पावर प्लांट्स में देखोगे, मतलब इसका जो मैकेनिकल इंडस्ट्री होती है वहां पे जो है बेवल गियर का यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल। पहले हम लोग का क्या था, स्पर गियर था, स्पर गियर की बात किया, इंटरसेक्टिंग आया, स्पर गियर का हम लोग पैरेलल एक्सिस में काम कर रहा था, और जो स्पर सॉरी हाँ और जो हेलिकल गियर आया उसमें क्या था, वो टीथ जो थे एक तरफ झुके हुए थे। इंटरसेक्टिंग में क्या हुआ कि ये चीजें जो आके इंटर कहीं ना कहीं जाके जो पॉइंट है, एक्सेस है जो है गियर का अरेंजमेंट का जो एक्सेस है कहीं ना कहीं जाके वो इंटरसेक्ट कर रही थी। बट अब हम लोग देखेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल, मतलब ना तो ये इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पे और ना ही पैरेलल होगा। अब इसका अरेंजमेंट कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं, उससे बात करते हैं। तो नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल में कौन सी है, वॉर्म गियर है और हमारा स्पाइरल गियर है। पहले हम वॉर्म गियर की बात करते हैं, वॉर्म गियर का अरेंजमेंट कैसा होगा। वॉर्म गियर का पूरा अरेंजमेंट आप देखोगे तो वो एक हिसाब से पूरा स्पाइरल गियर का अरेंजमेंट दिखेगा आपको। स्पाइरल गियर में क्या होता है, यहाँ पे पूरे टीथ लगे होते हैं, टीथ लगे होते हैं। बट अब देखिए जो यहाँ पे टीथ लगा हुआ है पूरा शाफ्ट का पोर्शन है, पूरा यहाँ पे की लगा हुआ है, ठीक, ये एक्सिस है अपनी। बट अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा हमारा शाफ्ट का रोटेशन, ये आप देखोगे ये हमारे यहाँ पे शाफ्ट लगे होते हैं, ठीक। अब देखिए ये पूरा गियर का अरेंजमेंट हो गया, ये हमने यहाँ पे टीथ बना दिए, गियर बना के टीथ बना दिया, और यहाँ पे क्या हमने शाफ्ट बना दिया। शाफ्ट में हमारा ये पूरा देखिए जैसे जैसे शाफ्ट ये रेसिप्रोकेट करेगा, ये जैसे जैसे आप इसको पिनियन को रोटेट कराओगे तो इसके हेल्प से बाय द हेल्प ऑफ ये आपका जो गियर का अरेंजमेंट है ये आपका रेसिप्रोकेट करेगा। जैसे रेसिप्रोकेट करेगा तो ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, चाहे आप इसको आगे पीछे करोगे तो ये आपका घूमेगा। मतलब क्या है, इसके आपसे इसके पावर ट्रांसमिशन इसमें हो सकता है, इससे पावर ट्रांसमिशन इसमें हो सकता है, दोनों आपका पोजिशन एक ही वर्क करेगा। तो ये हमारा क्या था, वॉर्म गियर। वॉर्म गियर का जो आप इसमें देखोगे वॉर्म गियर इसका मॉडिफिकेशन है, इस पर गियर का उसमें जो नॉकिंग कंडीशन होती थी, बट वॉर्म गियर में वो नॉकिंग कंडीशन नहीं है,
वाम गियर बहुत अच्छा है आपका, इसे इंडस्ट्री में देखोगे हैवी लोड के लिए आपको यूज किया जाएगा वाम गियर। तो इसका अरेंजमेंट पूरा ऐसे ही, इस पर गियर का हमने आपको बताया, यहाँ पे शाफ्ट लगा देते हैं बस, जैसे वहाँ पे दो गियर लगे होते थे, आप यहाँ पे गियर ए लगाते थे बी लगाते थे, एक पिनियन होता था एक जो है एनुअल होता था। तो इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक गियर का अरेंजमेंट है, एक पिनियन है, नीचे आपका शाफ्ट पूरा लगा हुआ है, उससे अरेंज है। अब ये जैसे जैसे रोटेट करेगा वर्क करेगा उस पावर का ट्रांसमिशन होगा। ओके, इसका यूज कहाँ होता है, ट्रांसपोर्टेशन में, मशीनिंग में, मशीन टूल में, ऑटोमोबाइल में, ये भी वही मतलब पूरा मैकेनिकल इंडस्ट्री है, हर जगह वहां से यूज होगा। हम लोग बात करते हैं स्पाइरल गियर, स्पाइरल गियर क्या है, स्पाइरल गियर क्या था, क्या था स्पाइरल गियर में जो होता है, बस पूरा गियर वो भी आपका इस पर गियर की तरह होता है। सबसे पहले इस पर गियर का अरेंजमेंट होगा, पूरा इस पर गियर का अरेंजमेंट, इस पर गियर का पूरा अरेंजमेंट। बट इसमें क्या होगा, जो हम लोग वहां पे दो गियर लगाते थे, गियर नंबर ए लगाते थे और बी लगाते थे, बट इसमें क्या है, गियर एक लगेगा आपका पिनियन का काम कर रहा है, बट नेक्स्ट गियर क्या होगा, ये आपका जो है बेलनाकार होगा, यहाँ पे ये कुछ ऐसे होगा। ठीक, अब देखिए ये टीथ यहाँ पे फिक्स होंगे, ओके, और यहाँ पे ये शाफ्ट लगा होगा, इसमें पूरा एक्सेस पे काम करेगा। ये जो अरेंजमेंट है हमारा, ये हमारा क्या है, स्पाइरल गियर का। बट इसमें यही पोर्शन मतलब डिफरेंस यही होता है कि आपका जो गियर का अरेंजमेंट होता है सेम वही होता है, आपको पूरा इसमें पिनियन होगा, पिच सर्कल लगे होंगे, डायमीटर इसके सब कुछ सेम होगी। बट जो गियर का अरेंजमेंट सेकेंड, इसको आप ये मान लेंगे जो बी अरेंजमेंट है, ये आपका यही बेलनाकार होता है। ओके, यहाँ पे शाफ्ट लगे होते हैं, अब जैसे जैसे आप इसको चाहे रोटेट करोगे वैसे पावर का ट्रांसमिशन इस पर होगा। ओके, पिनियन पे जो छोटा होता है गियर का अरेंजमेंट, उसको हम पिनियन बोलते हैं, इस पे पावर का ट्रांसमिशन कराएंगे बाय द हेल्प ऑफ, इसके क्या होगा, ये रोटेट करेगा, इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं। जैसे इसको रोटेट कराएंगे तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। वैसे इस पर गियर के अरेंजमेंट है, बट वही इसमें इसमें साफ जो हम लोग यहाँ पे बेलनाकार लगा रखे हैं, ये पूरा अरेंजमेंट हमारा वैसे ही है, बस बेसिकली ये कम्प्लीट हुआ। अब आपको एक बार इसमें पूरा डिफरेंस हम बता देते हैं शुरू से, एक बार सरसरी निगाहों से देखिएगा। जो पैरेलल क्या होता है, पैरेलल मतलब जो गियर टाइप ऑफ गियर थे पैरेलल थे, इंटरसेक्टिंग थे, और नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग थे। जो पैरेलल था, पैरेलल में क्या था, इस पर गियर था, हेलिकल गियर, रैक एंड पिनियन गियर, इस पर में एक्सटर्नल गियर, इंटरनल गियर था। एक्सटर्नल में क्या था, एक्सटर्नल जो गियर लगे हुए थे एक्सटर्नल पार्ट में लगे हुए थे, वहां से रनिंग कंडीशन हो रही थी। इंटरनल में क्या था, जो गियर का अरेंजमेंट था वो जैसे ये सर्कल था पूरा, ओके, और नेक्स्ट आपका एक गियर हो गया, नेक्स्ट गियर इसके अंदर में यहाँ पे लगा दिया हम। तो इसके माध्यम से देखिए इसकी इस गियर का इंटरनल टीथ और सेकेंड गियर जो अंदर वाला गियर है इनर पार्ट का गियर, इसका आउटर टीथ, दोनों जब रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में, ऐसे रोटेट करेगा तो पूरा इस मतलब दोनों एक साथ रोटेट करेंगे ऐसे। ओके, पावर का ट्रांसमिशन आप हमेशा पिनियन पे करेंगे। तो ये हमारा क्या था, इंटरनल गियर था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे हेलिकल गियर की बात करते हैं, सिंगल हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर। हेलिकल गियर में क्या था, जो टीथ लगे होते हैं वो अपने एक्सिस की तरफ झुके होते हैं, ये उसका डिफरेंस था, एक्सिस तरफ झुके होते थे, ये एक्सिस तरफ हमने यहाँ पे झुकाया। सिंगल हेलिकल गियर में क्या होता था, एक ही टीथ एक ही साइड में लगे होते थे पूरे अरेंजमेंट। और डबल हेलिकल गियर में क्या होता था, जो टीथ लगे होते थे दोनों साइड में लगे होते थे, जो मतलब इसके बीच में डिवाइड करके टीथ का अरेंजमेंट ऐसे होता था, ऐसे ऐसे। ओके, ये डबल हेलिकल गियर था। और रैक एंड पिनियन में क्या था, जो रैक था मतलब ये नीचे का पोर्शन रेसिप्रोकेट करेगा, ये रैक अपना था और ऊपर क्या था, ये पिनियन लगा हुआ था, ये रैक था, ऊपर का पोर्शन ये पिनियन लगा हुआ था, मतलब ये जैसे जैसे रेसिप्रोकेट कर रहा था, तो ये ऐसे रेसिप्रोकेट करेगा तो इसके माध्यम से ऐसे रोटेट करेगा। अब मान लीजिए आप इसको रोटेट करवाते हैं, पिनियन को आप जब रोटेट करवाएंगे तो ये क्या होगा, इसमें जो टीथ लगे होंगे आप इसको रोटेट कराओगे आगे बढ़ेगा, इसको रोटेट कराओगे आगे बढ़ेगा, मतलब क्या हुआ, रैक एंड पिनियन का पोर्शन, ये आपका नीचे का पोर्शन रैक था और ऊपर का पोर्शन क्या है, ये पिनियन है। ओके, रैक एंड पिनियन हो गया। फिर हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग पे। इंटरसेक्टिंग में क्या होते थे, बेवल गियर होता था। बेवल गियर जो होते हैं हमारे, मीट्रिक गियर होते हैं और ऑब्लिक गियर होते हैं। जो मीट्रिक गियर होता है, मीट्रिक गियर हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री पे वर्क करता है। जो मीट्रिक गियर होता है वो 90 डिग्री पे वर्क करता है, ऐसे वर्क करेगा 90 डिग्री पे, एक गियर का अरेंजमेंट यहाँ होगा, एक दूसरा गियर का अरेंजमेंट यहाँ पे होगा। बट
ऑब्लिक गियर को होगा। ऑब्लिक गियर में क्या होता है, आप उसको 90 डिग्री से बढ़ा भी सकते हो, ऐसे कर सकते हो, एक गियर का अरेंजमेंट यहाँ कर सकते हो, नेक्स्ट गियर का अरेंजमेंट यहाँ पे कर सकते हो। बट और इसको अगर कम कर लेते हैं, मान लीजिए हमने कम कर दिया 90 डिग्री से, तो एक गियर का अरेंजमेंट यहाँ पे हुआ, एक गियर का अरेंजमेंट यहाँ पे हुआ, तो इन दोनों पॉइंट जब हम आगे पीछे बढ़ाएंगे तो जाके कहीं भी यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। 90 डिग्री का था तो यहाँ पे जो लगे हुए थे शाफ्ट को हम आगे बढ़ाए तो यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा था। ओके, ये हमारा हो गया बेवल गियर का अरेंजमेंट। हम लोग देखते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल में क्या था, ना तो इंटरसेक्ट करेगा ना तो पैरेलल होगा। उसमें क्या था, हमारा वॉर्म गियर था और स्पाइरल गियर था। ओके, वॉर्म गियर में क्या था, जो सर्कल था पूरा उसके ऊपर हम यहाँ पे देखिए वॉर्म गियर का पोर्शन क्या था, यहाँ पे जो पूरा स्पर गियर का पोर्शन था नीचे हमने शाफ्ट लगा दिया था और वो रोटेट कर रहा था, उसके माध्यम से वर्क कर रहा था। और जो स्पाइरल गियर है, स्पाइरल गियर में क्या था, स्पाइरल गियर में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम बेलनाकार इसको जो गियर का अरेंजमेंट लगाते हैं और साफ पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, पूरा ये रोटेट करता है, पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो इसी के साथ साथ ये टाइप ऑफ गियर पूरा कंप्लीट होता है। और इसको देखिए समझिए अच्छे से, जो भी प्रॉब्लम हो उसको पूछिए। इसमें एक ही चीज़ पूरे गियर के पोर्शन में एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पावर का ट्रांसमिशन करना है, जो भी गियर लगा होगा पावर का ट्रांसमिशन होगा उस पर। विदाउट पावर ट्रांसमिशन कोई हमको फायदा नहीं, गियर लगाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए गियर लगाएंगे, पावर का ट्रांसमिशन होगा तो हमारी चीज़ें वो ज़्यादा एम्प्लॉय होंगी, वो ज़्यादा अच्छी होंगी। इसलिए ओके, टाइप ऑफ गियर खत्म होता है। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।